नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज की टॉप 5 खबरों में बात होगी एक बार फिर से कोरोना वायरस के बम्पर केस उत्तराखंड में सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ही दूसरी खबर कि देश के कई राज्यों ने इस पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी स्थितियां कई राज्यों में देखने को मिल रही है, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने कैंप कार्यालय में कामकाज शुरू कर दिया, जनता से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और ग्राम स्तर पर समस्याओं के समाधान का उन्होंने निर्देश भी दिया है। इसके अलावा बात करेंगे घनसाली के कुंडी गांव में जो घटना हुई थी जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई थी, उसमें एक युवक जो फरार चल रहा था उसने अपना सरेंडर कर दिया है, उस खबर पर भी क्या क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। और महत्वपूर्ण खबर एक और ये रहेगी कि हाईकोर्ट जो कि जंगलों की आग का स्वतः संज्ञान ले रहा है, उसने कुछ सुनवाई की है, कुछ निर्देश दिए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जो खाली पद है उनको भरने से जुड़े हुए निर्देश वो हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जारी है कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटों में आए रिकॉर्ड 1109 नए मामले, 5 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटों में देश में भी कोरोना के रिकॉर्ड 115,736 नए मामले। दर्जन भर राज्यों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। जंगलों की आग को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 6 महीने में वन विभाग के खाली पदों को भरने के लिए सरकार को दिए निर्देश, सरकार से भी मांगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैंप कार्यालय में संभाला कामकाज, ग्राम स्तर पर समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। घनसाली के कुंडी हादसे में फरार चल रहे रज्जी ने कोर्ट में किया सरेंडर, एक युवक को लगी थी गोली, 3 युवकों ने खाया था जहर। तो चलिए बात सबसे पहले कोरोना संक्रमण की। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। हर दिन हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से हर दिन स्टेप करके जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर एक बम्पर केस सामने आए हैं। इस बार 1109 मरीज, यानी कि 1109 कोरोना के नए मरीज पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। अब इस नंबर ने फिर से चिंता भी बढ़ा दी है कि क्या कहीं कोई सख्त पाबंदियों जैसे हालात की ओर हम जा रहे हैं या नहीं, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 1109 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। 5 संक्रमितों की मौत हो चुकी है कोरोना से और सबसे ज्यादा मरीज जो सामने आए हैं वो देहरादून और हरिद्वार में सामने आए हैं। इसके साथ ही अब मरीजों का कुल आंकड़ा प्रदेश में 104,711 पहुंच गया है और मरने वालों का आंकड़ा 1,741 हो गया है। अगर हम जिले वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब इस वक्त देहरादून की है और हरिद्वार की है। पिछले 24 घंटों में देहरादून की अगर हम बात करें तो बुधवार को देहरादून में 505 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि हरिद्वार में 308 नए मामले दर्ज किए गए, नैनीताल में 113, उधम सिंह नगर में 84, अल्मोड़ा में 3, चमोली में 1, चंपावत में 5, पौड़ी में फिर 57, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 19 मरीज, जबकि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में एक भी मरीज कोरोना का पिछले 24 घंटों में नहीं मिला। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी के साथ अब आंकड़े बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड भी उनमें से एक है और उत्तराखंड के जिलों में भी तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्थिति देहरादून और हरिद्वार की खराब है। इस वक्त राज्य में कंटेनमेंट जोन जो हैं वो भी लगातार हर दिन बढ़ रहे हैं। 26 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 कंटेनमेंट जोन सिर्फ और सिर्फ देहरादून में ही हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत कितने गंभीर धीरे धीरे हो रहे हैं और क्या कहीं उत्तराखंड में कोई सख्त पाबंदियां अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी, इस पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार, शासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर भी नजर रख रहा है कि अब कितना संक्रमण और फैलता है और जिस तरह से दूसरे राज्य स्टेप ले रहे हैं क्या उसी तरह के स्टेप उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब खबर कोरोना वायरस से ही जुड़ी हुई। पिछली खबर में हमने बात की थी कि उत्तराखंड में कितने मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और क्या उत्तराखंड में कोई सख्ती बरती जा सकती है। ये इसलिए क्योंकि देश भर के कई राज्यों में सख्ती बरतनी शुरू हो गई है, कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लॉकडाउन जैसी स्थितियां कई राज्यों में देखने को मिल रही हैं। देश की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में रिकॉर्ड तोड़ 115,736 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
देश में लगातार पिछले कई दिनों से जो मामले हैं वो 1 लाख के पार नए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब फिर से आज से 1 साल के पहले जो स्थितियां थी वही स्थितियां बनती हुई कई जगहों पर नजर आ रही हैं। कोरोना को लेकर क्या सीरियस हम हैं या फिर सरकारें हैं, इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव इस वक्त चल रहे हैं वहां पर बंपर तादाद में रैलियों का आयोजन हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो या फिर दूसरे दल हो। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना का खौफ लगातार बना हुआ है। अब हम बात करें अगर कि राज्यों में क्या क्या स्थितियां हैं, तो सबसे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। 30 अप्रैल तक वहां पर रात 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की योजना फिलहाल उससे इनकार किया है, यानी कि लॉकडाउन तो फिलहाल दिल्ली में नहीं होगा लेकिन नाइट कर्फ्यू वहां पर लग चुका है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के कई शहर ऐसे हैं जहां पर तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैला है। सूरत, अहमदाबाद और 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई। रात 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 30 अप्रैल तक सार्वजनिक जो आयोजन है उन पर वहां पर रोक लगा दी गई। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से ये कहा है कि नाइट कर्फ्यू की संभावनाओं को वहां पर भी तलाशा जाए। इसके अलावा कार्यक्रम में केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति उत्तर प्रदेश के अंदर है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेजी के साथ कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़े हैं। यहां पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दूध वितरित करने की अनुमति होगी और जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी, यानी कि यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंजाब की भी यही स्थिति है। पंजाब के 22 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के भी संडे के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान के 10 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो पब रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनके खोलने पर भी प्रतिबंध है, उनकी भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अलग अलग राज्यों में सख्त पाबंदियां अब फिर से देखने को मिल रही है। ऐसे में उत्तराखंड में हर दिन तेजी के साथ बढ़ते मामले, 1000 के पार हर दिन मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या यहां पर भी कुछ दिनों में इस तरह की स्थितियां होंगी? अगर हालत ऐसे ही रहे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी स्थितियां यहां पर भी देखने को मिल सकती हैं। चलिए तो अब बात जंगलों की आग को लेकर। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई थी, हेलीकॉप्टरों ने आग को बुझाने की कोशिश की। हालांकि पिछले 2 दिन में हल्की सी बारिश कुछ इलाकों में हुई है जिससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन इस मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से भी तैयारियों का ब्यौरा मांगा है। जो वन संरक्षक हैं उनको भी कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। वो वर्चुअली रूप से कोर्ट में पेश हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया है वो महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। वन विभाग में अग्निशमन के मद्देनजर खाली पड़े 60% जो पद हैं, इन 60% पदों को 6 महीने के अंदर भरने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। सुनवाई के दौरान जो प्रमुख वन संरक्षक हैं वो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और हाईकोर्ट ने इसी दौरान ये निर्देश दिए हैं। आपको हम ये बता दें, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 6 महीने में एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसको लागू करें और 60% जो खाली पद है इस समय वन विभाग के अंदर 60% खाली पद है, इन खाली पदों को भरें। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार सृजित होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, जो स्टाफ की कमी वन विभाग में है जंगलों की आग को बुझाने के लिए और तमाम कार्यों के लिए, उस कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या राज्य में कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल बारिश करवाने की कोई संभावना है। खंडपीठ ने राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यह कहा कि क्या कृत्रिम वर्षा करवाना यहां पर संभव है, विशेषज्ञों के साथ इस बारे में चर्चा की जाएगी और इस दिशा में पहल भी करें, यह हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा राज्य को दिए गए हैं उनको त्वरित लागू किया जाए। यानी कि एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह रही कि हाईकोर्ट ने जो वन विभाग के अंदर 60% पद हैं इनको 6 महीने के अंदर भरने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार से ये पूछा है कि क्या कृत्रिम वर्षा करवाना संभव है। ये भी कहा है कि हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करें, बजट की कमी न हो, जो वन जंगलों की आग बुझाने के लिए जो कर्मचारी और जो स्टाफ पूरा लगा रहता है इसके लिए बजट की कमी ना हो, संसाधनों की कमी ना हो, ये निर्देश भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं। अब बहरहाल
छः महीने में 60% पदों को सरकार क्या भर पाएगी या नहीं, छः महीने बताएंगे। अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से ठीक होने के बाद अब एक बार फिर से अपने कामकाज को शुरू कर चुके हैं। ठीक होने के बाद उन्होंने अपने कैंप कार्यालय का भी उद्घाटन किया। कैंट रोड में कैंप कार्यालय में उन्होंने विधिवत रूप से कामकाज अपना शुरू कर दिया है। बुधवार को वहां पर जनता दर्शन हॉल में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी। एक एक करके लोग जो वहां पर फरियादी पहुंचे हुए थे उनसे मुलाकात करके उनकी शिकायतों को मुख्यमंत्री ने सुना। कईयों की जो शिकायतें थी उनका निस्तारण करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए गए और बाकियों के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है, ये भरोसा भी दिलाया है कि आमजन की जो समस्या है उसका निराकरण करना सरकार की और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत क्योंकि कई जगहों पर इस बात को कह चुके हैं कि जनता और सरकार शासन के बीच की दूरी को कम किया जाए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए और जनता को सहूलियतें देने के लिए है, उनके लिए काम करने के लिए है। ये भी उन्होंने कहा कि जो शिकायत को लेकर लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री ने यह निर्देश महत्वपूर्ण दिया है कि ग्राम स्तर की जो शिकायतें होंगी, यानी कि गाँव के स्तर की जो शिकायतें होंगी, गाँव के स्तर की जो समस्याएं होंगी, उनका निस्तारण ग्राम स्तर पर ही किया जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये भी कहा गया है कि जो रात्रि चौपाल का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है, ये उसी दिशा में एक कदम है। जो मुख्यमंत्री त्वरित समाधान योजना है उसके तहत जो रात्रि चौपालों का आयोजन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है, जहां पर वर्चुअली रूप से मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, सीधे लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और वहीं पर उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है, तो इस तरह की पहल भी प्रदेश में की जा रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है। और गाँव की जो समस्याएं होंगी उनको गाँव स्तर पर ही दूर किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं घनसाली के कुंडी में हुए हादसे की। घनसाली के कुंडी में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी और 3 युवकों ने उसके बाद घबराकर डरकर जहर खा दिया था और 2 युवक वापस गांव लौट आए थे। इन 2 युवकों ने ही ये पूरी कहानी राजस्व को बताई और ग्रामीणों को बताई। इसके बाद इसमें एक युवक राजीव नाम का उर्फ जिसे रज्जी भी कहा जा रहा है वो फरार चल रहा था। अंततः बुधवार को रज्जी ने भी जो कोर्ट है जिला मुख्यालय के CGM कोर्ट में उसने भी सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। कुंडी गांव में 4 युवकों की मौत का मामला सामने आया था जिसके बाद 21 साल का रज्जी जो फरार चल रहा था उसने सरेंडर कर दिया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। तो 4 अप्रैल को ये घटना पूरी कुंडी गाँव में हुई थी जहाँ पर 4 युवक शिकार के लिए जंगल में गए थे। इनमें से जो बताया गया है उसमें एक्सीडेंटली जो बंदूक का फायर हो गया था और एक युवक को गोली लग गई थी, संतोष नाम के 19 साल के युवक को। उसके बाद 3 युवकों ने वहां पर जहर खा दिया था और एक युवक फरार चल रहा था बंदूक के साथ, तो उसकी तलाश काफी समय से चल रही थी। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया था। राहुल और सुमित जो 2 लड़के जंगल से लौटे थे उन्होंने ये पूरी कहानी बताई थी राजस्व पुलिस को और इस मामले में रज्जी पर केस दर्ज किया गया था जो युवक फरार चल रहा था। लेकिन बीते रोज रज्जी ने भी आत्मसमर्पण की याचिका लगा दी है और ये बताया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में राजीव को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो ये इस घटना से जुड़ा हुआ, इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट था। फिलहाल जिस युवक ने जो फरार चल रहा था बंदूक के साथ राजीव उर्फ रज्जी उसने सरेंडर अपना कर दिया है और उसे न्यायिक हिरासत में फिलहाल के लिए भेज दिया गया है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइए और इसी तरह की खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। विभिन्न प्लेटफॉर्म है जो कि नीचे चल रहा होगा उन पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।